चावल का लंगर चल रहा है लेकिन बहुत रश है। ये जुनूबी गेट वाली सबील है। तमाम अपने भाइयों के लिए, कलंदरी भाई, कलंदरी बहनें हैं, सब के लिए मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में रहम अली के साथ दुआ करते हैं। मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में जितने भी हमारे कलंदरी भाई आए हुए हैं, मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में जो हाजिरी लगी है, मुर्शिद कबूल फरमाए। और जो हमारे कलंदरी भाई आने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके काफिलों को महफूज सफर के साथ सकीना शहबाज़ कलंदर की दरबार में पहुँचाए। तमाम अपने कलंदरी भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आबाद रखे आपको। ये रहम अली फ़कीर है, मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर का चहेता फ़कीर है, बड़े फ़कीरों से हैं, पुराने फ़कीर हैं, बड़े बड़े लोग इनसे दुआ करवाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं इंशाल्लाह। हम भी दुआ करते हैं हमारे कलंदरी भाइयों के लिए, जितने भी हमारे चैनल को देखते हैं, मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर के सदके तब के बेड़े पार हो जाए, अल्लाह आबाद करेगा, मौला आबाद करेगा। ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, बोला मुर्शिद सखी लाल शहबाज़ के दर पे बहुत सारे गरीब आते हैं, नादार आते हैं, जो बीमार हैं, मजबूर हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम हमारे कलंदरी भाई जो मजबूरी में आते हैं, जो बीमारी में आते हैं, सखी लाल शहबाज़ कलंदर के दर पे अल्लाह ताला उनको शिफा दे। मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर के सदके तमाम उनकी परेशानियां, बीमारियां ख़त्म हों। सखी लाल शहबाज़ कलंदर के दर पे दुआ करते हैं। मुर्शिद तकी लजपाल कलंदर के सदके जितने भी हमारे कलंदरी भाई हैं, बहनें, उनको शिफा मिले। धमाल ख़त्म हो चुकी है लेकिन मुर्शिद के दर पे हमारे कलंदरी भाई हैं कई, जो ज़हनी मुश्किलात में हैं, जिन्नात का साया होता है, बदरूहों का साया होता है, ज़हनी परेशान होते हैं, उनके लिए मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में दुआ करते हैं। जो भी यहाँ पर दूर से नज़दीक से खर्च करके किराए लगाकर यहाँ पर आते हैं, मजबूरी में आते हैं, तमाम को मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर का फैज़ मिल जाता है और बिस्मिल्लाह हो जाती है। जो लाखों के खर्चे से भी ठीक नहीं होती, शिफायाब नहीं होते, वो मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर के दर से शिफायाब हो जाते हैं। कोई ख़र्चा नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ रूहानी इलाज होता है। दमाल लगती है, हाजिरी भरनी होती है, दुआ मांगनी होती है, सच्ची दिल से दुआ करो। मुर्शिद सकी लाल शहबाज़ कलंदर आपके दिल की बात सुन लेता है, और जब मुर्शिद ने सुन ली तो सकी लाल शहबाज़ कलंदर के सदके अल्लाह ताला की बरगाह में से वो दुआ कबूल हो जाती है, और ऐसे कबूल होती है जैसे एक मौजज़ा बन जाता है। हमने कई ऐसी मुर्शिद सकी लाल शहबाज़ कलंदर की करामतें देखी हैं। सिर्फ वो बातें होती हैं जो मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में जो हम देखते हैं, वो अपने कलंदरी भाइयों को दिखाते हैं। ये रहम अली फ़कीर है, देखे फ़ोन पे दुआ कर रहा है, बिल्कुल गूंगा है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है इसमें इतना बस, मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की दरबार में जब यह गूंजती है तो तमाम लोगों को कशश करती है, और जब सकी लाल शहबाज़ कलंदर के गुंबद में ये आवाज़ गूंजती है तो अच्छे जितने भी लोग होते हैं मुर्शिद तकी लाल शहबाज़ कलंदर की हाज़िरी में, सबका ध्यान खींच जाता है, इस फ़कीर की तरफ जाता है। फ़कीर हो, गरीब हो, अमीर हो, गदागर हो, या बादशाह हो, या शहनशाह हो, किसी मुल्क का वाली हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पर अदब से, एहतराम से, जितना एहतराम करेगा उतना ही वो पाएगा, ये मुर्शिद का उसूल है।
जान भी दे सकता आज 7 सितंबर है सखी लाल शहबाज कलंदर की धमाल के बाद मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर का जो धमाल वाला सैन है उसकी सफाई हो रही है। ये दिन में 1 से 2-3 मरतबा भी सफाई इसकी की जा सकती है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा जितने भी ज़्यादा लोग हो गए यानी ज़्यादा जितनी ज़्यादा रश होगी उतनी ही यहाँ पर मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की धमाल के दौरान तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कई हमारी कलंदरी बहनें यहाँ पर उल्टी कर देती हैं, क्योंकि उनकी जब वो करती हैं यानी धमाल पर वो रक्स करती हैं या धमाल पर नाचती हैं तो ब्लड प्रेशर कई हमारे कलंदरी बहनों का लो हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टी भी आ सकती है और कई लोगों को बहनों को उल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से ये फ़र्श जो है वो गंदा हो जाता है। कई अशिया भी खाई जाती हैं वो ढुल जाती हैं यहाँ पर, गिर जाती हैं, पानी गिर जाता है, कई बच्चे होते हैं छोटे वगैरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी गलाजत फैला देते हैं। तो इसी हिसाब से बस धमाल के बाद फौरन ही ये रोज़ाना का मामूल है, दिन में 2 से 3 मरतबा भी सफाई की जा सकती है, यहाँ पर 4 मरतबा भी। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं एक तरफ से, लेकिन ये सफाई करके फिर इनको भी उठाया जाएगा, इस तरफ की भी सफाई इंशाल्लाह की जाएगी। ये रोज़ाना का मामूल है जहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये बग़ैर तनख्वाह के काम करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, जो सखी लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन आते हैं फिर इनको नजराना दे देते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये मुर्शिद की खिदमत करने में अपना खुशनसीबी अपनी समझते हैं और ये बिला मुआवजा ये खिदमत की जा रही है, मुर्शिद सखी लाल शहबाज के सैन की सफाई की जा रही है। अल्लाह ताला इनको कामयाब बनाए, सखी लाल शहबाज कलंदर की निगाह करम हो इन पर, ये बखूबी अपना काम अंजाम देते हैं माशाल्लाह, काम में अपने बहुत महारत रखते हैं और दिलो जान से ये बड़ी अकीदत से और नफासत से एहतराम से ये अपनी खिदमतें अंजाम देते हैं। पानी में सर्फ मिलाया जाता है और कपड़े धोने वाला जो तेल होता है वो मिलाया जाता है, इससे बड़ी झाग निकलती है और बड़ा पावरफुल एक लिक्विड बनता है जो चिकनाई या जो भी गंदगी होगी उसको धो डालता है और अच्छी तरह धोता है, ऐसी सफाई होती है और बहुत ज़्यादा खुशबू निकल रही है जिसे फरहत मिलती है। तमाम सफाई नफासत से की जाती है और बड़े ध्यान से की जाती है। तमाम जो सफाई वाले लड़के हैं वो नौजवान हैं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे सखी लाल शहबाज कलंदर के सदके, अल्लाह ताला इनकी सेहत बनाए रखे, ये अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। दर्जनों लोग हैं यहाँ पर ये वॉलंटियरली काम करते हैं, ये किसी ज़माने में बाबा यासीन ये काम अंजाम देता था, उसके बाद भाई शहबाज अली भी हैं, शहबाज अली भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं अभी, और उसके बाद ये उनकी सुपरविजन के नीचे हैं ये तमाम लड़के हैं जो काम करते हैं।